करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटाले में सौरभ जैन से हो खुलेआम पूछताछ, नेताओं की चुप्पी के क्या मायने। रिजवान बैटरीवाला ने लगाई कई बड़े नेताओं पर आरोप। इस जीएसटी घोटाले सौरभ जैन को बचाने में लगे हैं कई बड़े नेता। इस जीएसटी घोटाले में मालेगांव शहर के व्यापारियों को शामिल ना किया जाए, शहर के भोले भाले व्यापारियों को बदनाम करने की साजिश। राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन। लेडीज ये देख लीजिए आप, ठीक है, वो जरा सा बेमजे हो जाएंगे। ये सही है, ये सही है। मालेगांव शहर में आज तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का अर्सा हो गया जो जीएसटी घोटाला आप प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो सामने आया। मालेगांव शहर के भोले भाले बुनकरों को, मालेगांव शहर को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। सौरभ जैन जिन्होंने इस शहर के ऐसे भोले बुनकरों को धोखा दिया, फ्रॉड किया, इनके साथ 420 की, मालेगांव शहर का बुनकर एक सदियों से तांबा कांटा पे अपना व्यवहार करता है। हमारे वतनी मारवाड़ी भाइयों के साथों में, गुजराती भाइयों के साथ में एक भरोसे और एतमाद पे काम करता है। एक नंबर में होने के बावजूद भी गरीब भोले बुनकर तांबा कांटा के व्यापारियों पे भरोसा करके अपना सब कुछ सौंप देते हैं। सौरभ जैन ने जो सरकार की आंख में धूल झोंकी है, सरकार की जीएसटी की चोरी की है, मालेगांव शहर के बुनकरों को बदनाम करने की कोशिश की है, इतना बड़ा घोटाला जीएसटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का की योजना है, जीएसटी जो ऑनलाइन है, और इसने इतना बड़ा चकमा सरकार की आंख में धूल कैसे झोंका। मालेगांव शहर की आवाम को शक है कि इसमें जीएसटी के ऑफिसरान मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो कोई ऑफिसर की पस्त पनाई नहीं होती तो सौरभ जैन इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार जो घोटाला मालेगांव शहर से ना जोड़ा जाए, जो दोषी है उसकी कार्रवाई की जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मालेगांव शहर माइनॉरिटी का शहर, गरीबों का शहर, बुनकरों का शहर, हम पहले ही सरकार की सारी स्कीमों से वंचित होते हैं। हमें बहुत सारी स्कीमें हमें मिलती ही नहीं है। अब इस जीएसटी के घोटाले को राय का पहाड़ बना के मालेगांव शहर के बुनकरों को और मालेगांव शहर की आवाम को बदनाम ना किया जाए। कुछ बड़े लीडरान जो सौरभ जैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को की दिशा भूल कर रहे हैं, हम सरकार से अपील करेंगे कि इसकी सही सिमतों में जांच हो। हमें सरकार पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है कि कानून अपना काम सही करेगा।
शहर के जिम्मेदारों को चाहिए कि आज बुनकरों के ऊपर मुसीबत का एक पहाड़ टूटा है, इस शहर के लीडरान को आज खड़े हो करके आज हमारे बुनकरों की जरूरत है कि हम उनका साथ दें, जिस आदमी ने गलत किया है उसको अंजाम तक पहुंचाएं। कई तंजीमें महीनों से चिल्ला रही है कि मंदी है मंदी है मंदी है, आज 100 करोड़ से ज्यादा का अंदेशा लगाया जा रहा है कि मालेगांव शहर की जीएसटी चोरी की गई है। तो ये तंजीम के लोग इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्यों इस बात को आप आवाज उठाओगे तो आप अपने बुनकरों की हिफाजत के लिए खड़े हो पाओगे, आप आवाज नहीं उठाओगे तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से जीएसटी के अफसरान इस सौरभ जैन से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी खामोशी मालेगांव शहर की आवाम की सक की सुई आप लोगों की खामोशी पे जा रही है। हमारी मुकदमाना गुजारिश है कि सरकार सही सिंत में जांच करे, हम तो चाहेंगे कि इसकी ईडी जांच करे, ईडी यहां पे आए और दूध का दूध पानी का पानी करे, सौरभ जैन से उगलवाए कि कौन लोग है और किसके बोलने पे तुमने किया। मालेगांव शहर की घर कुल योजना में घोटाला, कमिश्नर से लेके कारपोरेशन के 10 बड़े अधिकारी सब इसमें मुलव्वज है, इस भ्रष्टाचार में कई करोड़ों का घोटाला। अगर जो सरकार सही सिंतों में जांच करती है तो जो मालेगांव शहर के गरीब बुनकर, गरीब जनता, गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये कहीं ना कहीं रुकेगा। और हम सरकार से मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि हमारे शहर को बदनाम ना किया जाए, अगर जो गलत सिंतों में कार्रवाई हुई तो मालेगांव आवामी पार्टी शहर के बुनकरों के साथ, शहर की आवाम के साथ सड़कों पर उतर के जबरदस्त एहतजाज करेंगी।